हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। अंजलि किचन में सभी का स्वागत है। आज का रेसिपी है पपाया मिल्क शेक। बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से घर पे बना सकते हो। पपाया मिल्क शेक पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आप इसे घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर पी सकते हो। अब हम बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हम पपाया मिल्क शेक बनाने के लिए 250 ग्राम का एक पपीते ले ली है, पके हुए पपीते। अब इसे मोटे डंठल हटा देंगे पीछे से। पपीते का दो भाग कर देंगे बीच से और बीच से सभी बीज को निकाल देंगे। आप चम्मच से निकाल लें या फिर चाकू के सहायता से ही निकाल लें। अच्छी तरीके से निकाल ली है, आप वीडियो के अनुसार देख सकते हो। अब इसे लंबाई शेप में कट करेंगे। चार धारी से हमने लंबाई शेप में कट कर ली है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में लंबाई शेप में कट करेंगे। आप चाहे तो इसे छिलके ऊपर से भी हटा सकते हो, बट हम इसे गूदे निकालेंगे। तो हम चाकू के सहायता से इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों कट करके निकाल ली है, आप वीडियो के अनुसार देख सकते हो। अब हम बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले एक कांच का गिलास में एक गिलास दूध ले ली है, कुछ टूटी फूटी 15 काजू, एक चम्मच चीनी, 5 इलायची को दरदरा कूट ली है और किशमिश ले ली है शेक में डालने के लिए। अब एक मिक्सर जार लेंगे। एक मिक्सर जार ले ली है, सभी पपीते को डाल देंगे। उसके बाद दूध 8 आइस क्यूब डाल दी है। अब यहाँ पे काजू, किशमिश, टूटी फूटी चीनी और इलायची को भी डाल देंगे। अब इसे कवर लगा करके इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बना ली है, आप वीडियो के अनुसार देख सकते हो। अब एक कांच का ग्लास लेंगे और सभी शेक को ग्लास में डाल देंगे। पपीते शेक को गार्निशिंग के लिए किशमिश, काजू और कुछ टूटी फूटी डाल देंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। अब पपाया मिल्क शेक बनकर तैयार हो गई है। पपाया मिल्क शेक बनाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो बेल आइकन दबा देना। वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप मेरे साथ वीडियो में इसी तरह से बने रहें। आपके लिए नए नए रेसिपी लाते रहेंगे और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।